पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जुलाई को ज़िला कुलगाम में दो जगह पे जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहली जहां पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मॉडर गांव का इलाका है जो कि थाना कुलगाम में वाक़ा है। इस एनकाउंटर में दो टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है वहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहाँ तक मॉडर गांव के एनकाउंटर का सवाल है, वहाँ पे जो मिलिटेंट जो है जो टेररिस्ट मारे गए उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहाँ का रहने वाला था जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की और इन दोनों को जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जहां पे जो आदिल जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था ये कुछ काफ़ी जो है वो केस FIR में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था जिसमें पुलिस स्टेशन शुपियाँ और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल है। जहां तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में वहां पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ और यहां पे 4 जो है वो टेररिस्ट जो है मारे गए। इनमें जो नाम जो है जिसमें यावर बशीर डार जो है जो ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था ये रहने वाला उसी इलाके का था। दूसरा जो है इसमें जो है वो जो मारे गए दूसरे तौहीद अहमद राथर और शकील अहमद वानी और जो है वो जाहिद अहमद डार जो है ये ऑपरेशन जो है वो कल कंक्लूड हुआ। तो ये जो है वो आपको जो है इस एनकाउंटर के इन दोनों में जो है वो FIR रजिस्टर हुआ है। पहले एनकाउंटर में जो है वो FIR 100/2024 पुलिस स्टेशन जो है वो कुलगाम में जो है रजिस्टर हुआ, दूसरे में जो है वो FIR 53/2024 जो है वो पुलिस स्टेशन यारीपुरा में है। इस एनकाउंटर में काफ़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ जिसकी डिटेल जो है अभी आपको बताई जाएगी। DIG साहब ने कवर किया है दोनों ऑपरेशंस के बारे में। मैं आपको कमांडर वन सेक्टर के तौर पे जो मेरे सेक्टर ने ऑपरेशन किया है चीनी गांव के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको चीनी गांव ऑपरेशन के बारे में बताऊं, आप सबको इस बात का पता है कि वहां हमारा एक बहादुर सिपाही प्रभाकर प्रवीण जिन्होंने टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो मैं आप सब की तरफ से और देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक ऑपरेशन की बात है DIG साहब ने भी कवर किया, हमें इस इलाके में मूवमेंट की खबर काफ़ी दिनों से आ रही थी और हमने अपने सारे एजेंसीज के साथ और आर्मी ने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस और सोर्सेज की मदद से पूरे एरिया पर निगरानी रखी थी। 6 तारीख को हमें टेररिस्ट के मूवमेंट की एक सटीक खबर चिनीगाम इलाके में मिली और खबर मिलते ही 6 तारीख की 1500 बजे शाम तक कॉर्डन लग चुका था। 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। ये फायरिंग का हमारे पार्टीज ने
बखूब जवाबी का बखूबी उसका जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको डीआईजी साहब पहले ही बता चुके हैं, इनमें यावर डार, जाहिद डार, शकील वानी और ताहिद राठौर शामिल है। ये ऑपरेशन कंक्लूड करने के बाद सर्च के दौरान हमें तकरीबन 6 केजी की एक आईडी भी मिली, जिसे कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन तौर पे इन सिटू वहीं बर्बाद कर दिया गया। ये ऑपरेशन हम सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है, और 4 टेररिस्ट का इस तरह से मारा जाना वन सेक्टर के एरिया में, और साउथ कश्मीर में टोटल 6 टेररिस्ट का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैं सारी एजेंसीज का और कश्मीर के अवाम का उनकी सहयोग के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूं और आशा करूं। मैं लास्ट नाइक प्रदीप कुमार नैन वन पैरा SF, इनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने ऑपरेशन मदरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलके HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा SF, 7 पैरा SF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 CRPF बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मदरगांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने बहुत ही तेजी और होशियारी से सरप्राइज हासिल करते हुए जो टारगेट हाउस था उसको घेरे में ले लिया, और इसके बाद टेरिस के पास भागने का कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके बाद जितने भी सिविलियंस उस इलाके में थे उनको सेफ्टी से इवैक्यूएट किया गया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, और तकरीबन 1300 आस पे जब हमारे जवान इस मकान में तलाशी ले रहे थे तो मकान के अंदर बने एक हाइड आउट के अंदर से टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब दिया गया और टेररिस्ट को वहीं पिन डाउन कर दिया गया, और उनको किसी भी तरीके से भाग निकलने की कोई चांस नहीं मिला। इसके बाद ये ऑपरेशन 24 घंटे से ऊपर चला और इसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टेररिस्ट को मार गिराया, जिसमें आदिल हुसैन वानी जो कि एक टॉप HM के कमांडर हैं वो थे, और ये काफ़ी समय से सक्रिय थे जैसा आपको DIG साहब ने बताया। इन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया हुआ था। ये ऑपरेशन जो इन दोनों टेररिस्ट से और जो हाइड में हमें भारी मात्रा में सामान मिला, असला बारूद, ये एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कमांडर वन सेक्टर ने भी बताया कि 2 ऑपरेशन में 6 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे जाना, ये एक उनके लिए और ख़ासकर उनकी ऊपर की लीडरशिप ख़त्म होना, ये एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे मेरे को लगता नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप काफ़ी समय तक इससे उभर पाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन का श्रेय मैं कश्मीर की जनता और ख़ासकर कुलगांव की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने ना सिर्फ हमें होने की इतला दी बल्कि पूरे जितने समय ये ऑपरेशन चला उसमें अपना पूरा सहयोग और योगदान प्रदान किया। ये ऑपरेशन कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी सिनर्जी का एक प्रतीक है, और कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए भारतीय सेना का प्रतिबंध होने को भी दर्शाता है।